गुड इवनिंग गाइस, आज हम लोग आए हैं राउकला। यहाँ पे हम लोग ट्राई करने हैं एक चिकन चाउमीन, वन ऑफ द बेस्ट एक चिकन चाउमीन इन राउकला। तो चलिए चलते और देखते हैं। तो गैस आप देख सकते हैं हमने ऑर्डर दे दिया है और अंकल बनाने स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अंकल आँख के सामने पूरा चिकन को काट रहे हैं, वो तो बोलते बोन से बोनलेस पीस सेपरेट करके उसको आँख के सामने पूरा फ्रेश चिकन को रेडी कर रहे हैं। वो आँख के सामने मेरीनेट करके उसे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इट्स लुकिंग सो डिलीशियस, आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्राइंग इट। इसलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस अंकल कैसे बना रहे हैं। इन द प्रोसेस जब अंकल बना रहे थे हमने उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि वो ये स्टॉल 7 साल से खुद चला रहे हैं। और एक चीज़ हमने वाइल अंकल जब इसे बना रहे थे हमने नोटिस किया कि अंकल पूरा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। एवरीथिंग अंकल जो भी यूज़ कर रहे हैं पूरा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that अंकल ने चिकन रेडी कर चुका है और साइड बाय साइड वो सब्जी को भी स्टेयर कर रहे थे। सो अब ये टाइम आ चुका है मिलाने का। जो मिला रहे हैं मिलाने का जो टाइमिंग दिख रहा है अंकल क्या ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए जब ऐड कर रहे हैं अंडा एंड वेजीज एंड चिकन को जब ऐड कर रहे हैं इट्स लुकिंग सो डिलीशियस एंड टेस्टी। Patient.
सो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग एग चिकन चाउमीन रेडी है एंड आप लिटरली आप देख सकते हैं विजुअल्स क्या हॉट एंड टेस्टी दिख रहा है वो, उसका जो फ्यूम्स निकल रहा है आप लिटरली देख सकते हैं, इट्स लिटरली लुकिंग डिलीशियस, कांट वेट टू ट्राई इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आपको रिव्यू में बताते हैं कैसा लगा। सो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं खाना आ चुका है, सो कांट वेट टू ट्राई दिस। तो चलिए टेस्ट करते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए चिकन लेते हैं, पहले से चम्मच में घुस चुका है, इतना सॉफ्ट है कि चलो ये चिकन इतना सॉफ्ट है मैं बता नहीं सकते कितना सॉफ्ट है, और जब मैं जैसे इसको मुंह पे डाला ये पूरा ही मेल्ट हो गया और काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे इवन ज़्यादा च्यू करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, काफ़ी टेस्टी है ये। फिर दूसरा बाइट लेके ट्राई कर, चिकन इज सो मच टेस्टी। चलिए चलिए और एक बाइट बनाते हैं, इसमें चिकन पर नूडल्स एंड एक प्याज भी ले लेते हैं। ओके प्याज आ गया, चलिए ट्राई करते हैं और कुछ कैप्सिकम। ये जो नूडल्स है ये भी काफ़ी टेस्टी है, ये थिन नूडल्स काफ़ी टेस्टी रहते हैं, और चिकन का तो मैं तारीफ ही क्या करूँ, अंकल हम लोग के ऊपर लिटरली सामने बनाया, जिसकी वजह से मुझे ट्राई करने का सॉरी इतना टेस्टी कि मैं आपको बताने से रुक नहीं पा रहा था, ये काफ़ी टेस्टी है और ये चिकन इतना सॉफ्ट है जब जैसे मुँह पर डाल रहे हैं ये पूरा मेल्ट हो जा रहा है आपके मुँह पर। मैं आपको रिकमेंड करें आइए टेस्ट कीजिए ये खाने को, वन ऑफ द बेस्ट खाना ये राउकला पे आपको यहाँ पे मिलेगा, बेस्ट चिकन चिली प्लस ये चिकन नूडल्स आपको, वन ऑफ द बेस्ट चिकन अंडा नूडल्स आपको यहाँ पे बेस्ट मिलेगा। और ये आपका लोकेशन दिखा देता हूँ, ये दादा चाइनीज फास्ट फूड, दादा चाइनीज फूड सेक्टर 2 पे, शॉप नंबर 43 एंड 42। और ये रहे हमारे शेफ, हमारे ऑनर, इस दुकान के ऑनर, और इन्होंने बनाया है भैया जी, आए प्लीज़ आप लोग आइएगा यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा है, आप इधर देख सकते हो उधर से एंट्रेंस बोल के, और ये लुक काफ़ी ओल्ड, लिख देंगे लोकेशन लिख देंगे वो भी लिख देंगे। सो मैं तो अपना ट्राई करूँ, आप आइए ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा रहा। थैंक यू।